क्योंकि चाहे वो आपने पिछली बार पढ़ाई या नहीं पढ़ाई, पढ़ाई है तो आपके पास सारा डेटा होगा, नहीं पढ़ाई है तो स्कूल में एक ऐसा शख्सियत होती है जिसके पास सब कुछ होता है। और कौन है वो? एग्जामिनेशन इंचार्ज। कौन है? एग्जामिनेशन इंचार्ज। हो सकता है आप में से कई लोग होंगे भी, तो उनसे ले लीजिए और उसके बाद उसका एनालिसिस कर लीजिए। अब वो रोना नहीं रोना कि ये मैंने नहीं पढ़ाई थी पिछले दिन। अब जैसा भी है, अब किसका है वो? कुरकुरे का ऐड पढ़ो, क्या होती है वो कुरकुरे की ऐड? हाँ जोर से बोलिए मैडम, क्या है वो? हाँ अब वो मेरा है। वो सारा बच्चा जो पूरी क्लास है ना, चाहे जैसा भी था, जैसे भी किया उसने, लेकिन अब आज वो किसके पास है? मेरे पास है। कुरकुरे खाने में बड़ी ध्यान रहता आप लोगों को, ये ध्यान नहीं आता क्यों भाई? टेढ़ा है पर मेरा है ना। तो ये जैसे, ये तो टेढ़े भी नहीं है बेचारे, बहुत सीधे हैं ये। तो ये जो बहुत सीधे हैं ये भी आप ही के हैं, यानी मेरे ही हैं। और चूंकि मेरे हैं इसलिए मैं ये भटकता हूँ, देखो ऐसे करके, आप समझ गए? तो वो मेरे हैं यानी आपके हैं, तो उसकी पूरी सारी चीज़ जो है पता करना ये मेरा दायित्व तो है। और उसको करने के बाद फिर मैं आगे चल पड़ूंगा। तो नाइन्थ का एट्थ में कर लीजिए। एनालिसिस में भी क्या करना है कि उसमें आप देखें, ध्यान से टेबल बना रखी मैंने, ये सिंबॉलिक है। आप टीचर हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं उसको, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैंने जस्ट एक आइडिया दिया है, जस्ट टू फैसिलिटेट, अदरवाइज आपको करना है सारा। तो एक फिगर मैंने लिखा 85 एंड अबव, ये कुछ जान के है। आप देखिए अभी स्टेट अवार्ड भर रहे होंगे आप, उसमें कई बार पॉइंट आता है कि 90 और उसके ऊपर कितने बच्चे, ये पॉइंट होता है, उसके नंबर होते हैं। कोई भी अवार्ड है, स्कूल का अवार्ड है, कोई भी चीज़ है, या अपने पास इसी तरह एक डिस्टिंक्शन। जब भी आपका कभी आपसे रिजल्ट पूछते हैं तो क्या बताते हैं? मेरा इतना परसेंट है, इतनी डिस्टिंक्शन, थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, इतनी डिस्टिंक्शन। यानी वो फिगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि यार इट इज़ प्राउड फीलिंग है ना, इतने डिस्टिंक्शन। तो ये इतने डिस्टिंक्शन है, ये नंबर को आप कैसे बढ़ाओगे? अनलेस यू एनालिसिस योर रिजल्ट, आप उसको नहीं पकड़ पाएंगे। तो अब मैंने 85 क्यों लिखा? हो सकता है 90 से ऊपर आपके दो बच्चे हैं और 87, 86, 89 पे तीन बच्चे आपके और पढ़े हैं, ठीक है? तो अब आप क्या करेंगे? आपको नहीं पता लगता, जब मैं